हमीरपुर में क्राइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है और बाहरी व्यक्तियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। एक मुहिम के तहत पुलिस द्वारा प्रवासी मजदूरों के पहचान पत्र जांच कर पड़ताल की जा रही है ताकि प्रवासी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में ना रह सके। डीएसपी हमीरपुर रेणु शर्मा ने बताया कि पंचायत प्रधानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई अनजान व्यक्ति बिना पहचान पत्र के रह रहा हो तो कार्रवाई की जाए। डीएसपी रेणु शर्मा ने बताया कि हर प्रवासी को चाहिए कि संबंधित थाना में अपने आप को रजिस्टर करवाए। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे प्रवासी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। प्रवासियों को ये तो सबको ही जो लोकल्स हैं सबको डायरेक्शंस हैं, प्रधानों को डायरेक्शंस हैं कि जब भी उनके पास कोई नया व्यक्ति काम करने के लिए आता है, प्रवासी आता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में इंश्योर कराएं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर अगर ऐसा हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं बिना उसके पहचान पत्र के रह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम स्पेशल नजर रखेंगे और लोगों को फिर से डायरेक्शंस देंगे थ्रू प्रॉपर मीडिया कि वो लोग थाने में आके अपने जो भी उनके साथ रह रहे हैं, जो काम करने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को रजिस्टर कराया था। इसके अलावा जब भी कोई प्रवासी घूमता हुआ मिल जाता है और हमारे पुलिस थाने के लोग उस पे होते हैं, गश्त पे होते हैं, तो वो लोग उनसे पूछते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और जिसका भी नहीं होता है उसको थाने में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए हिदायत दी जाती है। गौरतलब है कि गत माह भी जिला में कई जगहों पर चोरों ने घरों में सेंध लगाकर चोरी की थी, जिस पर अब पुलिस चोरों की तलाश में भटक रही है। इसलिए पुलिस ने प्रवासी लोगों पर पैनी नजर रखते हुए पूछताछ करने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है।